क्वेश्चन आपका ये है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2,400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। तो हमें इसमें ये बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि 2,400 फैमिलीज को सेलेक्ट किया और ये सर्वे किया कि किस फैमिली में कितने व्हीकल्स हैं। तो इसका ये लिस्ट दे रखी है कि लेस देन 7,000 वाली ये है, जिसमें जीरो मतलब जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है, या नो व्हीकल कह सकते हैं, 1, 2 एंड अबव 2। तो इसमें अब हम पहले क्वेश्चन ये देखते हैं ना, सपोज ए फैमिली चूजन, एक फैमिली चूज करनी है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक फैमिली को चूज करने की, अगर उसकी इनकम कितनी हो 10,000 से 13,000 के बीच में हो। तो 10,000 और 13,000 वाली ये रहे, और इसके पास कितने व्हीकल होने चाहिए, एग्जैक्टली 2, तो 2 व्हीकल, तो 2 यहाँ पे, तो कितनी फैमिली है 29, तो ये हो जाएगा 29 और अपॉन में टोटल आउटकम्स 2,400, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसके फर्स्ट पार्ट की। अब अगला क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी ऐसी फैमिली की बतानी है जिसमें क्या बताना है, अर्निंग ₹16,000 और मोर, तो 16,000 एंड मोर वाली ये रही, ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो 1 व्हीकल वाली कंडीशन ये आ गई 579, क्या हो जाएगा 579 और टोटल कितने हैं 2,400। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला पार्ट इसका, अर्निंग लेस देन 7,000, तो लेस देन 7,000 वाला ये, और इसके पास व्हीकल कितने होने चाहिए, डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, मतलब कोई व्हीकल नहीं है, तो ये 0, 10, तो ये आ जाएगा 10, कितने में से 2,400, 0 से 0 कैंसिल, लिया जाएगा 1/2,400, ये होगा आपका थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट ये है, अर्निंग ₹13,000 to ₹16,000, 13,000 to ₹16,000 और इसके पास व्हीकल्स मोर देन 2 होने चाहिए, तो मोर देन 2 वाले ये आ गए 25, तो ये 25/2,400, तो 25 बन जा, और इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा, नाइन जा सिक्स जा, तो यह आ जाएगा 1/96। अब इसका ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें यह बताना है कि ऐसी फैमिली होनी चाहिए जिसके पास कोई एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। तो एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है तो इसका मतलब ऐसी फैमिली होगी जिसके पास कोई व्हीकल ना हो, या फिर जिसके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल हो। तो हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो हमने पहले इनका प्लस कर लिया तो ये आ जाएगा, और इनका प्लस कर लिया फैमिलीज हैविंग 1 व्हीकल, तो इनका सम आ गया इतना। तो ये वो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जिसके पास 1 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो इनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2,062/2,400, इसको 2 से कैंसिल करोगे 2 बन जा 0,31/1,200, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आपको ना 14 चैप्टर देखना पड़ेगा, और उसमें 14.7 टेबल दी गई होगी, तो उसी को जब आप रीड करोगे उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन करना है। अच्छा, उसमें पूछा ये जा रहा है कि 20% से कम जो बच्चों के मैथ्स में आए हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसी तरह से जिसके 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, तो इसमें देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स होंगे 90, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 20% से कम नंबर आते हैं, तो ऐसे टोटल नंबर हो गए 7। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी कि टोटल तो है 90 और इसमें फेवरेबल कंडीशन कितनी है 7, तो ये आ जाएगा 7/90, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, और इसका सेकेंड पार्ट है, फ्रॉम द गिवन टेबल
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेंड 60 और मोर। तो आपको ये देखना है कि 60 टू 70 की लाइन में जो इंटरवल में कितने स्टूडेंट हैं वो है 15, और 70 से अबव वाले कितने स्टूडेंट हैं वो है 8। तो इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो जाएंगे 23। तो 23 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा आए हैं। तो अगर हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ये स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स 60 और मोर, तो क्या करना है हम? तो टोटल तो आपको पता ही है 90, और ऐसे स्टूडेंट हैं कितने फेवरेबल, वो है 23। तो ये आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 7। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल गए, तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200, उनका रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये चेक किया गया कि स्टैटिस्टिक्स किसको पसंद है किसको नहीं पसंद। तो पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 135, और ना पसंद करने वाले, डिसलाइक करने वाले 65। तो इन्हीं में से हमें प्रोबेबिलिटी चूज करनी है कि एक ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जो इसको लाइक करता हो। तो फर्स्ट पार्ट हमने ये ले लिया, ए स्टूडेंट हु लाइक्स स्टैटिक्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो इसकी टोटल तो है 200, और इसके कितने स्टूडेंट हैं जो इस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, वो है 135। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो इसको 5 से कर लो, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा, और इसको कर लेंगे तो 5 से करेंगे, 5 4 जा 0, तो ये आ गया 27/40। तो इसका सेकंड पार्ट है, एक ऐसा स्टूडेंट चूज करना है जो इसको डिसलाइक करता हो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता है 200, तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो इसको सब्जेक्ट को डिसलाइक करते हैं? 65, कैंसिल करो 5 से, तो ये जाएगा 13 पे और ये जाएगा 40 पे, तो ये आ जाएगा 13/40। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें भी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ना एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है। तो इसमें आप जब देखोगे, इसमें कुछ डाटा दे रखा है जिसमें ये बता रखा है कि 40 इंजीनियर्स हैं जो अपने वर्क प्लेस से कितनी दूरी पर रहते हैं। तो 5 3 10 20 25, इस तरह से टोटल डाटा दे रखे हैं। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कितने इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। तो ध्यान रखना, 7 किलोमीटर मतलब 7 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 7 से कम वाले ही इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब 6 तक वाले जितने भी नंबर हैं वो आपने काउंट कर लेना है, जिसमें कि 5 3 और 2, इस 3 5, ये वाले जो नंबर हैं ये इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसमें चेक किया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमें 9 मिल गए। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो टोटल इंजीनियर्स हैं 40, तो ये जाएगा 9/40। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ये बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर रहते हैं। तो अभी ये मैंने हम क्या निकाला था, जो 7 से कम दूरी पर रहते हैं वो है 9, टोटल है 40, तो कितने बचे होंगे? 31। तो इनकी प्रायोरिटी निकालने के लिए कि ऐसा एक इंजीनियर चाहिए जो 7 किलोमीटर या उसके ज़्यादा की दूरी पर रहता हो। तो टोटल आपको पता है 40 है, और इनके नंबर ऑफ इंजीनियर 31, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसका थर्ड पार्ट है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग 1/2 किलोमीटर फ्रॉम अवर वर्क प्लेस। तो सभी पूरे डाटा में हम चेक करते हैं, तो 1/2 किलोमीटर पे तो कोई रहता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इनकी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी? 0/40। तो आंसर हमें मिलेगा 0। इसके बाद बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये एक्टिविटी है जो आपको अपने आप से ही करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें दे रखा है कि 11 बैग्स हैं वीट फ्लोर के, जिसमें जिसकी मार्किंग वेट है 5 kg। लेकिन जब इसमें जो नेट वेट है वो कुछ कम ज़्यादा है, तो किसी में 4.97 है, किसी में
5.05, मतलब किसी में 5 से कुछ कम है और किसी में 5 से कुछ ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेंट्स मोर देन 5 kg। कोई एक ऐसा बैग चूज करना है जिसमें 5 किलो से ज़्यादा आटा होना चाहिए, तो उसकी क्या प्रायोरिटी होगी। तो हम देख लेते हैं पहले नंबर ऑफ बैग्स ऐसे कितने हैं जिसमें 5 kg से ज़्यादा वेट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये कितने हो गए, 7। तो 7 बैग्स ऐसे हैं जिसमें 5 kg से ज़्यादा वेट है और टोटल हमारे पास पता ही है, तो हमने यहाँ पे लिख लिए नंबर ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg, 7। तो इनकी प्रायोरिटी ए बैग कंटेंट्स मोर देन 5 kg, तो 7 और अपॉन में 11, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें भी वही काम करना है हमें, हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 14.2 निकालना है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना है। तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखे होंगे 0.10, 0.11, 0.9, 09, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें आपको ना क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें जो इंटरवल आप ये देखोगे 0.122, 0.16, और जब हम क्रॉस इंटरवल लिखते हैं ना तो जो अपर लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.16 से छोटा होना चाहिए और 0.12 या इससे बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे केवल 2 ही दिन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 30 थे और हमारे फेवरेबल कंडीशन कितनी आ गई, 2, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये जगह 2/30 कैंसिल करोगे तो ये 1/15, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 का, और उसमें ये चेक कर लेना है कि 0.12 या 0.12 से बड़ा होना चाहिए और 0.16 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं। तो उसमें आप जब चेक करोगे तो उसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो रिक्वायर्ड हमारी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, 2/30। तो जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/50। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें वही काम करना है, एक्सरसाइज हमें 14.2 देखनी है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उसमें ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं कई बच्चों के, AB, O, AB इस तरह के। तो उसमें हमें प्रायोरिटी निकालनी है कि कैसा स्टूडेंट होना चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप AB हो। तो AB, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब हमने चेक किए तो 30 थे, और AB ब्लड ग्रुप वाले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/30। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/10। तो ये हो गई 9th क्लास के प्रोबेबिलिटी का चैप्टर फिनिश।